हेलो दोस्तों, छाछ को माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि छाछ को माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, कैसे दिखती है छाछ। तो ये लिया है अपन ने हल्की सी 4-5 बूंद छाछ, और इसके अतिरिक्त अपन ने एक ली अपन ने स्लाइड। ये अपन ने स्लाइड ले ली है, एक मिनट रुकिए ज़रा। छाछ को हम साइड में रखते हैं, इसमें से अपन एक स्लाइड निकालते हैं कोई सी भी। तो ये वाली अपन एक स्लाइड निकालते हैं, इसमें स्लाइड में छाछ को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो छाछ है अपन ने ये स्लाइड पे रख ली है, ये छाछ। अब इस छाछ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों छाछ को माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस प्रकार दिखती है। ये देखिए, यहाँ पे परफेक्ट स्लाइड बनाई है। इसमें शायद कुछ छाछ के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो तैर रहे हैं। देखो ज़रा गौर से, ये देखो ज़रा, ये तैर रहे हैं शायद। तो छाछ के बैक्टीरिया हो सकते हैं ये, लेकिन हानिकारक नहीं होते, लाभदायक होते हैं। ये देखो दोस्तों, ये तैर रहे हैं। तो इस छाछ की संरचना है जो माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। देख और ज़रा गौर से देखते हैं इनको, ज़रा साइड में जूम करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखिए, ये है परफेक्ट एकदम। ये रहा, ये देखो किस तरह इसके साथ बैक्टीरिया के साथ कैसे लग रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं इधर। ये छाछ की जो अपने जस्ट अभी स्लाइड तैयार की है, तो छाछ की आंतरिक संरचना है। मतलब देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हो गया कन्फर्म। यदि इस प्रकार की कोई स्लाइड आपके मन में हो या कुछ देखना हो तो कृपया करके हमें जरूर सजेशन दें, राय दे अपनी, और कमेंट में लिखें कि आपको और क्या चाहिए स्लाइड के अंदर। यदि माइक्रोस्कोप के अंदर यदि आपको कुछ देखना हो तो कृपया करके अपने सुझाव दें और कमेंट में लिखें। धन्यवाद।